Hey everyone, welcome back to my channel Kasas Makeover में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाकी सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने पार्ट वन में किए थे सिर्फ स्किन के बारे में, एंड आज मैं आपको सारे मेकअप प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होने वाले हैं सारे प्रोडक्ट। विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, बहुत सारे टाइप से डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज़ ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स बताइए जो हम अब ले सकें। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, हम ले नहीं पाते हैं। तो मैं आपके ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे आपको, एंड आपको समझ में भी आ जाएगा आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, कि आपके पास किस प्रोडक्ट से आप किस तरीके से और भी काम कर सकते हैं। आपको दो तीन प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अपना पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नॉर्मली अपने पास अपने सेल्फ मेकअप के लिए इतने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन से। तो फाउंडेशन हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। गाइस, मैं आपको दो तीन शेड्स बताऊंगी, वो मेरे स्किन टोन का होगा। एक चीज़ें मैं अपने ही बताने वाली हूँ। अगर आप कभी भी फाउंडेशन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि ये स्किन हमारे फेस से लाइट होती है। तो इस जगह पर हमें टेस्ट नहीं करना है, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लगा कर देखना है। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लगा कर देखेंगे हमारे स्किन से मैच हो रहा है या नहीं। जो हमारे स्किन से लगभग मैच कर रहा होगा, जितना ज़्यादा, हमें वही वाला लेना है शेड अपने स्किन के लिए। ओके, तो जितना ज़्यादा आप लाइट लेंगे अपने स्किन टोन से, वो बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाएगा, आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, आप जितना भी आपका स्किन टोन, जो भी आपका स्किन टोन कलर है, आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। वन शेड लाइट चलता है, बट बहुत ज़्यादा लाइट हो जाना आपका मेकअप पूरा ख़राब हो सकता है। इसलिए मेक श्योर कि वो आपके इनसे बिल्कुल मैच कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ दो तीन फाउंडेशन ब्रांड बता देती हूँ, आप उसके ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा अगर प्रो HD फाउंडेशन है, ये वाला फुल कवरेज फाउंडेशन मिल जाएगा आपको, एंड ये काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर ये आपके बजट में आता है तो आप इसे ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा, ये मेरे स्किन से लाइट है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। ओके, ये है हमारा फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन वाला है। ये भी हमारा लिक्विड फाउंडेशन होने वाला है। मैं सारे लिक्विड फाउंडेशन बताने वाली हूँ, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन हर स्किन टाइप में चला जाता है। आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव हो, या और भी कोई स्किन टाइप हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे को लिक्विड फाउंडेशन सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड ये आप सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट आ जाता है हमारा मेबेलिन का। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसका कवरेज बहुत अच्छा है, एंड ये इतना कम प्राइस में मिल जाता है, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है आपको। एंड आप इसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बताए हैं ये तीनों लिक्विड फाउंडेशन हैं, आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अब सेकेंड चीज़ की तरफ, हमें हमें कंसीलर। फर्स्ट हमारा फाउंडेशन हो चुका है, अब हम बात करते हैं कंसीलर की। तो फाउंडेशन तो हमने लगाकर अपना सेट कर लिया, पर कुछ गाइस होते क्या है, हमारी स्किन, देखिए आप मेरा फेस देख सकते हैं, मेरे फेस पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डार्क और कुछ लाइट है। आप ये एरिया देख सकते हैं मेरा कितना लाइट है, ये एरिया मेरा देख सकते हैं बाकी ऑल ओवर स्किन से कितना लाइट है। तो हमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, जैसे कि ये थोड़ा सा हमें बाकी अंडर टोन से लाइट रखना होता है। तो हमें इसी टाइप के कंसीलर भी लेने होते हैं। कंसीलर हमें सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना होता है, नोज पे, एंड शेड जो है हमारे फाउंडेशन से 1 या 2 शेड लाइट होना चाहिए बस। फर्स्ट है मेरा स्विस ब्यूटी का ये वाला कंसीलर। सारे फॉर्ड कंसीलर्स मैं आपको लिक्विड बताने वाली हूँ, क्योंकि लिक्विड सारी चीज़ें और स्किन टाइप की होती है। फर्स्ट कंसीलर आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉरएवर 52 का, ये वाला आप ले सकते हैं। कंप्लीट कवरेज है, फुल कवरेज का मिल जाएगा आपको कंसीलर, एंड ये वाला थोड़ा सा महंगा होगा बट बहुत अच्छा है। अगर जाता है हमारा इन साइड का वाला कंसीलर, ये हमारा प्रो कंसीलर है, एंड काफ़ी अच्छा है, इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा कंसीलर हो चुका है। कंसीलर के बाद हमें लगाना क्या होता है, कंसीलर पहले हमने फाउंडेशन लगाए, कंसीलर लगाए, कंसीलर लगाने के बाद हमें क्या लगाना होता है, पाउडर। पाउडर से सारी फाउंडेशन जो है वो लॉक हो जाता है हमारे स्किन के ऊपर। हमने फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, लगाने के बाद हमें उसे लॉक करना है। पाउडर लगाते हैं सारी चीज़ें सेट हो जाती है, लॉक हो जाती है उसी जगह पर, तो हमें इसलिए पाउडर यूज़ करना है। पाउडर आप लूज पाउडर भी ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है।
बाकी मैं आपको ब्रांड बता देती हूँ, आपको जो लेना हो आप ले सकते हैं। हमारा मेबेलिन का न्यूयॉर्क ये वाला आप ले सकते हैं, प्रेस पाउडर है ये, हमारा कॉम्पैक्ट है, इससे जो हम लाइक ऐसे करके और ऐसे प्रेस करके लगाते हैं ये वाला है, इसका कवरेज बहुत अच्छा होता है। अगर आपका फाउंडेशन में ज़्यादा कवरेज आपको नहीं मिला है और आप अगर इसे लगाते हैं उसके ऊपर से, तो आपको एक या दो सेट और अच्छा कवरेज मिल जाएगा। तो आप ये वाला आपके पिगमेंटेशन पिंपल्स उन चीज़ों को थोड़ा सा और कम कर देता है। सेकेंड है हमारा डेली फॉरएवर 52 का ट्रांसलूशन पाउडर, ये वाला ले सकते हैं, ये मैट फिनिश देगा आपको और ये सारे स्किन टोन पर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं। और जो कॉम्पैक्ट मैंने बताया है वो कोशिश करेगा अपने स्किन टोन के आसपास ही लीजिएगा, थोड़ा लाइट ही लीजिएगा, अच्छा ट्रांसलूशन पाउडर होता है वो किसी भी स्किन टोन पर चला जाएगा क्योंकि उसमें कोई कलर नहीं है, तो वो एकदम वाइट होता है, तो उसमें कोई भी स्किन टोन का होगा, कोई भी स्किन टाइप होगा, सब में चला जाएगा। तो आप ट्रांसलूशन पाउडर भी ले सकते हैं। ये लूज पाउडर है जो एक ऐसे बॉक्स में आते हैं एंड सारे ऐसे पाउडर रखा होता है, आपको ब्रश की हेल्प से या स्पॉन्ज की हेल्प से ऐसे करके लगा सकते हैं, आपको कवरेज नहीं मिलेगा। थर्ड है हमारा इनसाइड कॉस्मेटिक का HD फिनिश पाउडर, ये वाला आप ले सकते हैं, ये वाला आपको बाकी उससे थोड़ा सा बजट में आ जाएगा एंड इसका पाउडर बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी फील करके देखा है, काफ़ी महीन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, तो ये वाला पाउडर बहुत अच्छा है, तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी लो बजट। अब बात करते हैं हम अपने आई शेडो पैलेट की। तो गाइस क्या होता क्या है कि हमने पूरा मेकअप कर लिया, बहुत से लोगों का मन होता है ना कि आज मैंने ये कलर का ड्रेस पहना है तो क्या आई शेडो लगाने का मन हो रहा है, कोई ऐसी आई शेडो पैलेट आपके पास होनी चाहिए ना जो आपको हमेशा यूज़ करने के लिए। ऐसे ही दो तीन पैलेट्स लेकर आई हूँ जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बात करते हैं आई शेडो पैलेट है ये स्विस ब्यूटी की, इसमें 36 कलर्स मिल जाएंगे आपको एंड ये बहुत ही अच्छा है, तो इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आपने इसे एक बार ले लिया तो अब आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। सेकंड आती है हमारी एलेगल प्रो, एलेगल कलर की ले सकते हैं, इसमें आपको 10 शेड्स मिल जाएंगे एंड इसमें न्यूड शेड मिल जाएंगे आपको, तो आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं। स्विस ब्यूटी वाले में आपको काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, इस वाले में आपको न्यूड्स कलर मिलेंगे, जिनको ज़्यादा मेकअप पसंद ना हो, जो हमेशा नॉर्मल सा रहना पसंद करते हो, सिंपलिसिटी, तो उस टाइप के लोग हमेशा इस पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। आउटफिट के साथ इसका ये सारे कलर्स जाएंगे, तो आप इसमें बिना सोचे समझे नहीं सकते। अब मैं बात करने वाली हूँ ब्लशर की, तो गाइज आई शेडो हो गया, गालों को भी तो पिंक पिंक करना है, मेरा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई आई पैलेट है उसमें आपके पास पिंक कलर है, अगर आप अपना पर्सनल मेकअप के लिए लेना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास उसमें पिंक या पीच या रेड कलर है, कोई ऐसे कलर्स हैं, तो आपको यहाँ पर जो उसको एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अलग से इन्वेस्ट करने का मन नहीं है तो आप ऐसे ले सकते हैं कोई भी। और गाइस हाँ, प्लीज़ डोंट स्किप, अगर आप स्किप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बीच बीच में मैं बताती जाऊँगी, अगर आप स्किप कर देंगे तो आप मिस कर देंगे चीज़ों को, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज़ मैं खुद ही वीडियो को टाइम वेस्ट ना हो, तो जल्दी से ही सारी चीज़ें आ सकते हैं। हमारा ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट है कि आपको इसमें हाइलाइटर भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पैलेट है, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। पैलेट आता है हमारा ये NYB का, इसमें बहुत अच्छा शेड ये वाला जो आपका स्किन टोन पर आराम से चला जाएगा, आप चाहें तो सिर्फ इसके लिए लेकर भी काम कर सकते हैं, और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बट ये बहुत अच्छा है। इसमें आप स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपना ब्लशर चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसा ब्लशर चाहिए, रेड पिंक लाइट पिंक डार्क पिंक, तो हम इसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, पीजी आपका स्किन टाइप जैसा भी हो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे कॉन्टोर के बारे में, कॉन्टोर बेसिकली क्या है, तो आपके जो स्किन पे जितना भी पार्ट लाइट है उतना ही कुछ कुछ एरिया डार्क भी है, तो हमें कॉन्टोर को सिर्फ उसके लिए ही यूज़ करना होता है जो पार्ट हमारे स्किन पे शेडोज क्रिएट करता है वहाँ के। कॉन्टोर से हमारा फेस और शार्प दिख, काफ़ी मतलब जिनके फेस काफ़ी बड़े होते हैं और ये एरिया बाहर होता है, फिर ये वाला एरिया पार्ट बहुत बड़ा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जितने भी फेस के पार्ट्स एक्स्ट्रा बड़े हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए होता है। तो कॉन्टोर बेसिकली हमारे स्किन टोन से दो तीन शेड डार्क लेते हैं। कॉन्टोर पैलेट्स बता सकती हूँ जो आप ले सकते हैं। शेडो पैलेट में आपके जैसा कोई शेड है जैसे लाइट मीडियम ब्राउन शेड है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से कॉन्टोर पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप उसमें से भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ब्लशर पैलेट में भी कॉन्ट्रोल पैलेट हो सकता है या पैलेट में भी आपको कॉन्ट्रोल मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला है ये स्विस ब्यूटी का, आप ये वाला भी कॉन्ट्रोल ले सकते हैं, ये वाला भी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, आप चाहे तो उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा है ये वेट एंड वाइल्ड का, ये भी बहुत अच्छा है, इसके साथ आपको एक लाइट शेड भी मिल जाएगा जो हाईलाइट करने के लिए एरिया में होता है,
लाइक बेसिल वाला पाउडर है या फिर जो भी आपको वाइट करने हैं वो वाला भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप कंसीलर यूज़ करते हैं उस जगह पे ये वाइट वाला भी यूज़ करते हैं। वाइट वाला पैलेट मुझे बहुत पसंद आया है, ये वन है। इसमें आपको ब्लशर जो है वो रोज़ गोल्ड मिलेगा, तो आप ब्लशर का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप दूसरा ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्लशर और हाईलाइटर कॉन्डो तीनों मिल जाएंगे, इसी में दो तीन पैलेट्स और मिल जाएंगे। बात करते हैं अब हाईलाइटर की, तो ब्लशर के बाद ये हमारा वही होगा कॉन्डोर एंड ये ब्लशर, एंड अब ये आता है हमारा हाईलाइटर का पार्ट। तो हाईलाइटर के लिए आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जैसे मेरी स्किन देख सकते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो बहुत शाइन कर रहे होंगे, मैंने हाईलाइटर नहीं लगा रखा है, बट ऐसा होता है जो नेचुरल स्किन होती है उसमें थोड़ा बहुत शाइन मिलता है, तो हम उसी शाइन को बरकरार रखने के लिए हाईलाइटर यूज़ करते हैं ताकि हमारा फेस नेचुरल दिखे। तो जो हाईलाइटर है मैं आपको दो तीन पैलेट्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट पैलेट है हमारे पास स्विस ब्यूटी की, ये वाली, तो आप ये वाले पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हाईलाइटर हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप इसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड आती है हमारी वो भी स्विस ब्यूटी की है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है, आपके हेयर को भी ले। थर्ड आपको मिल जाएगी एनआरबी की पैलेट, ये भी बहुत अच्छी है। इन तीनों में से आपको जो अच्छी लगती है, जो आपके बजट में आ जाए आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं मस्कारा की, तो गाइस मस्कारा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम लाइनर नहीं लगाना चाहते, बस मस्कारा एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी भी कहीं पर भी लगा करते हैं, बहुत हैवी नहीं लगता, वो नेचुरल दिखता है। तो मुझे पसंद हमारा मस्कारा है मेबेलिन का, उसमें लैशेज आपको हाई मिल जाएंगी एंड वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, आप ये वाला मस्कारा ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, बट ये थोड़ा सा महंगा हमारा। ये ब्लू हेवन का ये भी मस्कारा बहुत अच्छा है, इसमें मिल जाएगा आपको, तो आप इस वाले पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा है मेबेलिन न्यूयॉर्क का, ये आपको जो अफोर्डेबल प्राइस में लगे के बजट में आ जाए, वो आपको लाइनर की। तो बेसिकली गाइस लाइनर वाटर प्रूफ हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इसलिए तो वाटर प्रूफ होगा तो अच्छा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड लाइनर, ये बहुत अच्छा है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका ब्लैक जो है वो एकदम जेट ब्लैक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। सेकंड आता है हमारा ये लैक्मे का, ये वाला भी बहुत अच्छा है, बेस्ट पार्ट ये है कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है ये। एंड थर्ड वाला ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसको विंग्स बनाना नहीं आता, ये उनके लिए काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो ये पीछे वाला पार्ट है उसमें विंग्स, आपका विंग्स क्रिएट हो जाएगा खुद से, बस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को टच करना पड़ेगा। ऐसे ड्रॉ करते हैं काजल के बारे में, आइकॉनिक का ये वाला काजल भी बहुत अच्छा है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, एज मच प्रूफ है एंड काफ़ी टाइम तक स्टे करता है। नाता ही हमारा एनवाईबी का, ये घंटे तक टिकता है आपका काजल, तो आप इसे भी कर सकते हैं। थर्ड हमारा ये फेसेस कनाडा का है, ये वाला भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, बजट फ्रेंडली लगे, जो आपके बजट में आ जाए आप वो ले सकते हैं। हमारा है ये कॉम्बो में आपके साथ शेयर कर रही, आप इस कॉम्बो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है, बजट फ्रेंडली है। आप सब बात करते हैं आईब्रोज की, कैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे जो लोग पूरा मेकअप कर लेते हैं या फिर मेकअप लगा लेते हैं ढेर सारा, और उनको आईब्रोज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। गाइस मस्कारा, लिपस्टिक, एक आईब्रो, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं ना कि आप ये सिर्फ तीन चीज़ों को करेंगे, उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आईब्रो तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, आप उसे नहीं भूल। शुगर का ले सकते हैं पॉप करके, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और ये वाला बहुत अच्छा है, जैसे कोम करने वाला मिल जाएगा तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड स्विस ब्यूटी की आप ये पेंसिल ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी दिखती है, तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। आप लिपस्टिक कुछ लोग अपने पसंद ही लगाना पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे कुछ ब्रांड बताती हूँ मॉली हूँ जिसकी आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी आती हैं एंड स्मच प्रूफ होती हैं और बजट फ्रेंडली भी होती हैं। तो आप चाहें तो ऐसे लिपस्टिक्स ले, सारी मिनी लिपस्टिक्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं एंड बजट फ्रेंडली भी हैं, 175 समथिंग मिल जाएगी आपको, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी लिपस्टिक आती है, एनवाईबी है एंड स्मच प्रूफ है, तो आप इस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ छोड़ा है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं गाइस, अगर आप इनमें से जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप कम से कम में भी चीज़ों को ले सकते हैं, आप लेके एक बार ही आपको लेना है एंड काफ़ी अच्छी आपकी वैनिटी रेडी हो जाएगी आपके पर्सनल यूज़ के लिए। बहुत अच्छा, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको समझ में नहीं आया या आपको कैसे क्या यूज़ करना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, मैं समझाने या बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि कैसे आपको यूज़ करना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आप देखते रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।